हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेडमी नोट 9 सीरीज के तीन स्मार्टफोन्स कुछ दिनों पहले ही चाइना में लॉन्च हुए हैं और अब ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि आज रेडमी नोट 9 4G एंड रेडमी नोट 9 प्रो 5G को गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पर लिस्टिंग मिल चुका है। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। इंडिया में ये दोनों स्मार्टफोन्स Redmi Note 9 4G एंड Redmi Note 9 Pro 5G नाम से लॉन्च नहीं होंगे। Redmi Note 9 4G Redmi 9 Power नाम से लॉन्च होने वाला है एंड Redmi Note 9 Pro 5G Mi 10i नाम से लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ Redmi Note 9 5G को भी आज NPTC का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन Redmi Note 9T नाम से ग्लोबली लॉन्च होगा, यानी कि ये तीनों स्मार्टफोन्स अब ग्लोबल मार्केट इन इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A32 5G के आज HD रेंडर्स सामने आ चुके हैं और वो रेंडर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहाँ से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में कोड रियर कैमरास, वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में 3.5mm ऑडियो जैक एंड चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन सैमसंग जल्द ही लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, क्वालकॉम की टेक समिट कॉन्फ्रेंस आज रात से स्टार्ट होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वालकॉम अपना नया फ्लेक्सी प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है। पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि इस प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन A75 होगा, लेकिन दोस्तों, आज एक लीक से जानकारी मिली है कि इस प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन A75 नहीं होने वाला। इस नए प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन 888 होगा, जो कि क्वालकॉम का पहला 5nm आर्किटेक्चर पर बना प्रोसेसर होने वाला है। इस प्रोसेसर में हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज एक लीक से जानकारी मिली है कि OnePlus 9 सीरीज के अंदर OnePlus इस बार दो नहीं बल्कि तीन नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है, जिनका नाम OnePlus 9, OnePlus 9 Pro एंड OnePlus 9e होगा। OnePlus 9e OnePlus 9 सीरीज का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है। और दोस्तों, आज OnePlus 9 Pro के 3D रेंडर्स भी सामने आ चुके हैं और वो रेंडर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहाँ से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में पंचोल कैमरा वाली कर्व डिस्प्ले एंड कोड रियर कैमरास दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग OnePlus 9 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, जियो के काफी सारे एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स हमें मार्केट में जल्द ही दिखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जियो ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उन्होंने वीवो के साथ पार्टनरशिप की है इस जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स के लिए, जहां पर वीवो अपने बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा जो कि जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स होने वाले है। इन स्मार्टफोन्स में काफी सारे डिस्काउंट्स, OTT सब्सक्रिप्शन और भी बहुत सारे ऑफर्स दिखने को मिलेंगे। और दोस्तों, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि वीवो के अलावा भी जियो काफी सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेगा और अपने जियो के एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च करेगा। दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है पोको की तरफ से। तो आज पोको M3 के इंडिया वेरिएंट को ब्लूटूथ SIG का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन पोको जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।